तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपने जो स्विगी जोमेटो का जो वीडियो बनाता हूँ उसमें जो जो कमेंट्स आए हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स जो है मैंने पिक करे हैं, ताकि क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, शायद आपके मन में भी वही सवाल होगा, इसीलिए मैंने कुछ कुछ कमेंट्स उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं कमेंट्स में क्या क्या पूछा गया है और आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले विकास जी पूछने वाले हैं कि भाई स्विगी और जोमेटो से घर चल सकता है क्या? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्त, मैं तो आपको अपनी एक्सपीरियंस के वजह से बताना चाहूँगा कि स्विगी जोमेटो के वजह से आप घर नहीं चला सकते हैं। कारण ये है दोस्त कि देखिए, स्विगी जोमेटो आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं देती है, ना ही आपको कोई मंथली पे आउट देती है एक्स्ट्रा कुछ, ना ही आपका मोबाइल का बिल, चाहे आपके बाइक की सर्विसिंग, कुछ भी नहीं देती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कभी मंथ में कभी कभी एक्स्ट्रा कुछ दरकार पड़ गए पैसे के, 10,000 15,000, तो आप कहाँ से लेने जाएंगे? अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन भी नहीं मिलता है, और स्विगी जोमेटो कंपनी से तो आप ले ही नहीं सकते हैं। तो यही बात है, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्विगी जोमेटो से आप घर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों से आप पूछिएगा वो लोग कैसे कैसे करते हैं। और जिनकी बाइक आईडी है वो सिर्फ स्विगी जोमेटो के भरोसे नहीं रहते हैं, वो लोग सभी आईडी, ये स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, पोर्टर हो गया, उबेर हो गया, रेपिडो हो गया, सब कुछ खोल कर रखते हैं, ताकि एक कंपनी के भरोसा ना रहना पड़े। सब में लॉगिन रहते वो लोग, जैसे फर्स्ट ऑर्डर किसी में आता है उसमें वो लोग ऑर्डर मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो लोग टान ढूंढ कर, मतलब पकड़ लीजिए, वो लोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं राहुल जी कि भाई 1,000 1,500 रुपये एक दिन का कमाई हो सकता है क्या? तो दोस्त देखिए, 1,000 1,500 रुपये आप कमा तो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप डेली 1,000 1,500 रुपये कमा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप 1,000 1,500 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं स्विगी जोमेटो आपको पार्टनर बोलती है, लेकिन काम तो करवाती है वही, भगाती कितना है यह तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए आपको 150 रुपये का ऑर्डर आया और लगभग आपको जाना है, पकड़ लीजिए 15 किलोमीटर। ठीक है, तो 15 किलोमीटर आप तो चले गए 150 रुपये में। ठीक है, अब आपको रिटर्न भी तो आना है, लेकिन स्विगी जोमेटो क्या करती है, आपको रिटर्न आने के पैसे नहीं देती है, आपको वैसे ही छोड़ देती है। ठीक है, फिर अब तीसरा क्वेश्चन पूछने वाले हैं हिमांशु जी। तो हिमांशु जी ने कुछ भी नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ अपना नाम को लिख दिया है, हिमांशु शर्मा बस। तो पता नहीं ये क्या क्या बताना चाहते थे, तो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कमेंट बताना चाहिए ये भी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं सनोज राज जी। तो सनोज राज जी का पूछना ये है कि भाई स्विगी में ऑनबोर्डिंग फीस क्या है? तो देखो दोस्त, स्विगी जोमेटो जो है अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटी के अलग अलग चार्ज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो लगा था स्विगी में 2,500 रुपये लगे थे। ठीक है, ये मैंने अपने जेब से नहीं दिया था और ना ही आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। ये क्या करती है, आपको हर संडे एक संडे करके, एक मान लीजिए 3 संडे आपको 500, मेरा जो है 3 संडे 500 500 करके काटी थी, फिर जो चौथे संडे है उसमें एक ही बार 1,000 रुपये जो है वो माइनस कर दी थी। तो इसी तरह से, तो इससे वो क्यों काटती है मैं आपको बता दूं कि स्विगी जोमेटो जो क्या करते हैं, वो लोग आपको एक कैश लिमिट दे देते हैं। ठीक है, ताकि आप कस्टमर से जो पैसा लेते हैं वो आप रखते हैं, तो वही लिमिट दे देती है। मान लीजिए 2,500 का लिमिट दे दिया मुझे, उसके बाद आप कस्टमर से बिल जो हुआ वो 500 रुपये का हुआ। ठीक है, तो 500 रुपये का आप जो है कस्टमर से ले लिए, अब आपका जो है फ्लोटिंग कैश में जो बचेगा बाकी के 2,000 रुपये। और जैसे ही आप टोटल 2,500 रुपये उठा लेते हैं, वैसे ही स्विगी जोमेटो क्या करती है, आपकी आईडी बंद कर देती है। उसके बाद आपको जो है कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर आपकी जो है आईडी चालू करी जाती है। तो अब चौथा क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई ईवी स्कूटी और पेट्रोल बाइक में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, ईवी स्कूटी में जो है स्विगी जोमेटो वाले क्या करते हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर हाईएस्ट भेजते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं भेजेंगे। लेकिन पेट्रोल बाइक का जो है उसमें आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक जाना पड़ सकता है, और ये भी स्कूटी में जो है आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगते हैं, ये अच्छी बात है। और बाइक का में मान लीजिए पेट्रोल खर्चा ये सब ही लगते हैं। ठीक है, तो अब गुप्ता गेमिंग जी का सवाल है कि भाई मैं जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी जो है वो 15,000 रुपये है, क्या मैं जॉब छोड़कर स्विगी जोमेटो को पकड़ सकता हूँ? तो देखो दोस्त, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए स्विगी जोमेटो में तो आपको
अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, काम करना है करिए नहीं तो पड़े रहिए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप जॉब करते हैं तो आप उस जॉब को ना छोड़ें, क्योंकि यदि आप जॉब जो करते हैं वो एक आपकी फिक्स सैलरी है, ठीक है, और स्विगी जोमेटो में जो वो फिक्स सैलरी नहीं है, कभी डाउन होता है कभी अप होता है, तो इस तरह से होते हैं। और यदि आपको 15,000 जब वहीं मिल रहे हैं तो आपको जॉब छोड़ने की क्या दरकार है। और जो है ये जो स्विगी जोमेटो डिलीवरी लाइन है जो है, इसमें आपकी एंट्री तो है लेकिन एग्जिट नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए एक बार इसमें एंट्री कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी मन मर्जी मिल जाएगी एकदम खुली तरीके से, जब मर्जी तब छुट्टी ले सकते हैं, जब मर्जी तब कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आप जॉब करते हैं तो आपको एक बंधा हुआ रहना पड़ता है। तो मान लीजिए आप स्विगी जोमेटो आते हैं तो उसके बाद क्या होगा, आपको मन ही नहीं लगेगा जॉब में। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जॉब ना छोड़ें, उसी जॉब को कंटिन्यू करें। हाँ, अगर आप चाहें तो स्विगी जोमेटो में पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने सारे कमेंट्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट बता दिए। यदि आपको भी कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगली कमेंट वीडियो में मैं आपको Q&A वीडियो में मैं बता दूंगा यदि इम्पोर्टेंट रहा तो। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, ठा ठा।